students, how are you with ya? Welcome back to our EVS classes. Today we are going to discuss our chapter number 4, the climate of India. Today we will discuss about the climate, weather and seasons. All those topics we will cover in this chapter, okay? But before that I would like to tell you about the earth, some factors of the earth. बेटा जो अर्थ है हमारी जो धरती है उसका जो 100% हिस्सा होता है उस 100% हिस्से में से 70% जो हिस्सा है यानी जो 70% पोर्शन है इसका वो वाटर से कवर है और 30% जो है वो लैंड से कवर है यानी हमारी धरती का 70% जो हिस्सा है वो पानी ही पानी से घिरा हुआ है कैसे वहां पर पूरे सागर महासागर सीज ओशंस ये सारी चीजें हैं जैसे मैंने अभी प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था बे ऑफ बंगाल बताया था अरेबियन सी बताया था इंडियन ओशंस बताए थे तो वो क्या है पूरा महासागर ही है ठीक है वर्ल्ड का मैप आप देखते हो तो उसमें देखो या फिर ग्लोब आपने देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ग्लोब का या वर्ल्ड का जो मैप देखते हो उसमें आपको ब्लू कलर का दिखता है तो ब्लू कलर किस चीज को इंडिकेट करता है वाटर को इट मींस 70% जो एरिया है अर्थ का वो किससे कवर है वाटर से है ओके आफ्टर दैट 30% पे लैंड है यानी अर्थ पे 30% एरिया ही ऐसा है जहाँ पे भूमि है लैंड है लेकिन इस लैंड पे भी ये सारी रहने के लायक ये जगह नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इस 30% एरिया पे फॉरेस्ट भी है माउंटेन्स भी है ट्रीटूज भी है ये सारी चीजें कहाँ है डेजर्ट्स भी हैं ये सारी चीजें इसी 30% एरिया पे हैं ओके अब इस एरिया पे जब हम लोग रहते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट के बारे में सुनते हैं वेदर के बारे में सुनते हैं सीजन्स के बारे में सुनते हैं कि कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है कभी बारिश आती है ये सारी चीजें होती हैं हर जगह का आपने देखा होगा राजस्थान में जाते हो पूरी गर्मी गर्मी होती है हॉट होता है ठीक है अगर आप नॉर्थ साइड में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा विंटर सीजन होता है जैसे हिमाचल में जाओगे जे एंड के में जाओगे तो वहाँ का जो मौसम होता है वो थोड़ा ठंडा होता है ऐसा क्यों होता है वहाँ का क्लाइमेट ऐसा क्यों होता है तो क्लाइमेट क्या होता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में कि क्लाइमेट क्या होता है द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस कोई भी जगह की जो वेदर कंडीशन की एवरेज है कोई भी जगह की जो एवरेज वेदर कंडीशन है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली एवरेज वेदर कंडीशन को हम क्लाइमेट बोलते हैं ठीक है यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वहाँ के वो लंबे समय तक कैसी है ऐसा नहीं है कि आज गर्मी है कल सर्दी है ऐसा कुछ नहीं है यानी बहुत टाइम तक टिकने वाला वेदर कंडीशन ठीक है इसकी दूसरी फीचर क्या है कि ये जो क्लाइमेट होता है ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है ठीक है ये नहीं है अभी जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आज सर्दी कल गर्मी ऐसा नहीं होता है अगर सर्दी है तो सर्दी का मौसम ही रहेगा सालों तक ठीक है अगर गर्मी है तो गर्मी का ही रहेगा कुछ महीनों तक सालों तक यानी काफी लंबे समय तक ठीक है ये सारे किसके फीचर्स होते हैं क्लाइमेट के होते हैं अब क्लाइमेट अलग अलग जगह का अलग अलग होता है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कैसे करता है क्यों क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं जो हमारा क्लाइमेट होता है उसको इफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स कैसे करते हैं जैसे टेम्परेचर है किसी जगह का तापमान जैसे सपोज करो कहाँ कहीं का तापमान क्या है गर्म है तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी हॉट होगी कहीं पे सर्दी है तो वहाँ पे कैसी होगी कूलर होगी तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है दूसरा होता है रेनफॉल कि जो किसी एरिया में कितनी रेनफॉल हो रही है उसके हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट होता है सपोज जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ का कैसा रहेगा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी रहेगी ह्यूमिड रहेगी जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है या फिर बहुत ही कम होती है तो वहाँ कैसी रहेगी हॉट रहेगा ड्राई रहेगा राइट जैसे डेजर्ट में होता है तो ये सारी चीज़ें रेनफॉल पे भी डिपेंड करती है ठीक है फिर दूसरी
थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्लेसेस. तो प्लेसेस के हिसाब से भी ये वेरी करता है. कैसे करता है? नियर सी, जो हमारा समुद्र है, जैसे कौन से समुद्र हैं इंडिया के, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो कौन से सीज आते हैं हमारे इंडिया के पास में? बे ऑफ बंगाल आता है, अरेबियन सी आता है, इंडियन ओशन आता है. ये सीज हैं जो कि हमारा साउथ का जो एरिया है इंडिया का, वो इन तीनों सीज से घिरा हुआ है. ठीक है, तो उस एरिया के आसपास, यानी सी के एरिया के आसपास जो हिस्सा है, जो एरिया है, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है. ठीक है, मॉडरेट रहता है, यानी वहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी. ठीक है, आफ्टर दैट माउंटेन, जो पहाड़ी इलाका होता है वो कैसा रहता है? बर्फीला होता है. क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाका क्या होता है, हाइट में ऊंचा होता है, राइट? और ऊंचा होता है, जैसे लद्दाख की पहाड़ियां हैं, माउंटेन्स हैं, हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं, वहां पे क्या है, जैसे लेह लद्दाख है, वहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, वो पूरा शिमला है, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, ठंड ही रहती है वहां पे, कोल्ड ही रहती है. ठीक है, इसलिए वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है, कूलर है, राइट? आफ्टर दैट प्लेन्स, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादातर टाइम कैसा होता है क्लाइमेट उसका, वार्मर यानी गर्म रहता है. ओके, आफ्टर दैट डेजर्ट, जो डेजर्ट है, डेजर्ट में लिटिल रेनफॉल होती है, पता है ना आपको, प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि जो डेजर्ट होता है वहाँ पे लिटिल रेनफॉल होती है, दैट्स वाई वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई होता है. वॉट इट, आफ्टर दैट विंड्स, कैसी हवाएं चलती हैं वहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, धीमी है, लू चल रही है, गर्मी है, ह्यूमिड भरी है, कैसी है, यानी विंड्स भी ऐसी चीज है जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करती है. ओके, आज के वीडियो में बेटा हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेदर और सीजन्स के बारे में. ओके, टिल देन बाय.